भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम के जन्मोत्सव के रूप में ललाई छठ का पर्व मनाया जाता है। ललाई छठ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। ललाई छठ के व्रत में माता सृष्टि की पूजा की जाती है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान के सुख के लिए, उसकी समृद्धि के लिए और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं और इसके साथ ही साथ जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं है उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ललाई छठ का व्रत पुत्रवती महिलाएं पुत्र के कल्याण के लिए तथा संतानहीन महिलाएं संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। भगवान श्री कृष्ण के अंशावतार भगवान बलराम के जन्मोत्सव के रूप में यह व्रत मनाया जाता है, इसलिए इस व्रत में हल से जोते हुए खेत से पैदा हुए किसी भी अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान बलराम का अस्त्र हल था। इसके साथ ही साथ इस व्रत में गाय का दूध और गाय के दूध से बने किसी भी खाद्य पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम के लिए गाय बहुत ही ज़्यादा पूजनीय थी और वो गाय को माता के समान मानते थे। ललाई छठ के व्रत में भैंस का दूध, भैंस का दही और भैंस का घी, इन्हीं चीज़ों का प्रयोग होता है। माता षष्ठी को जो भोग लगाया जाता है वो भैंस का दही होता है, महुआ और तिन्नी का चावल जो कि व्रत में खाया जाता है, इन्हीं तीनों चीज़ों का माता षष्ठी को भोग लगाया जाता है। इस व्रत में अन्न खाना और नमक खाना वर्जित होता है और इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि इस व्रत में खट्टी चीज़ों का सेवन वर्जित होता है, जैसे टमाटर है, नींबू है। और इसके साथ ही साथ जो दही माता षष्ठी को अर्पित किया जाता है वो भी बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल ताजी होनी चाहिए। और इस व्रत में 6 की संख्या का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। जो माता षष्ठी को भोग लगाया जाता है तिन्नी के चावल का, दही का और महुओं का, वो 6 जगह भी उनको भोग लगाया जाता है। और इसके साथ ही साथ इसमें पूजन के पश्चात आखिरी में 6 कथाएं भी सुनी जाती हैं। इस व्रत में माता षष्ठी की पूजा मध्यान्ह काल अर्थात दोपहर तक कर लिया जाता है। माता षष्ठी को महुआ, दही और तिन्नी के चावल का तो भोग लगाया ही जाता है, इसके साथ ही साथ माता षष्ठी को श्रृंगार की सामग्री और वस्त्र भी अर्पित किया जाता है। और इस व्रत में माता षष्ठी को बच्चों के कई प्रकार के खिलौने भी अर्पित किए जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे जो भी नए वीडियोस आएंगे उनका अपडेट आप तक मिलेगा। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आगे और भी अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। ललाई छठ का व्रत भादो माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और इस व्रत में पूजा हमेशा मध्यान्ह काल अर्थात दोपहर तक पूर्ण कर लिया जाता है। तो इसीलिए इस व्रत में मध्यान्ह काल में अर्थात दोपहर में षष्ठी तिथि का होना अनिवार्य होता है। तो 2023 में भादो माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का प्रारंभ 4 सितंबर दिन सोमवार की शाम में 4:41 पर हो रहा है और षष्ठी तिथि का समापन 5 सितंबर दिन मंगलवार की दोपहर में 3:46 पर हो रहा है। तो इस प्रकार उदय तिथि के आधार पे और मध्यान्ह काल में अर्थात दोपहर में षष्ठी तिथि प्राप्त होने के आधार पे 2023 की ललाई छठ का व्रत 5 सितंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। 2023 की ललाई छठ का व्रत बहुत ही शुभ संयोगों में संपन्न हो रही है, क्योंकि जिस समय ललाई छठ का पूजन किया जाएगा उस समय रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा जो कि पूरे दिन और पूरी रात्रि तक रहेगा। और इसके साथ ही साथ 5 सितंबर को दोपहर से त्रिपुष्कर योग भी प्रारंभ हो जा रहा है जो कि पूरी रात्रि तक है। तो इस प्रकार इतने अच्छे संयोग में जो ललाई छठ का पूजन किया जाएगा, जो व्रत किया जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होने वाली है। इतने अच्छे संयोग में जो भी व्रत किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, उसका जो पुण्य होता है कई गुना बढ़ के प्राप्त होता है। इस व्रत में महिलाएं पूजन के पश्चात उन्हीं चीज़ों को खाती हैं जिन चीज़ों का वो माता षष्ठी को भोग लगाती हैं, अर्थात भैंस की दही, तिन्नी का चावल और महुआ जो माता को अर्पित करती हैं वही वो पूजन के पश्चात स्वयं भी ग्रहण करती हैं और इस व्रत का पारण वो व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात करती हैं। अगर किसी महिला के घर में उसके बेटे की शादी हुई है या फिर घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो उस साल माता षष्ठी देवी को वृद्धि के स्वरूप में बढ़ी चढ़ाई जाती है। तो जिस साल बढ़ी चढ़ाई जाती है उस साल माता षष्ठी देवी को श्रृंगार की सामग्री और वस्तु अर्पित होते ही हैं, उसके साथ ही साथ जो उन्हें भोग लगाया जाता है दही का, तिन्नी के चावल का, महुए का, 6 जगह जो उन्हें भोग लगाया जाता है वो जस्ट डबल हो जाता है, अर्थात वो 12 जगह उन्हें भोग लगाना होता है और उन प्रसादों को फिर आपस में घर में ही सबको वितरण कर दिया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो माता षष्ठी देवी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है और जो खिलौने अर्पित किए जाते हैं उनका क्या करना है। वो जो श्रृंगार की सामग्री माता षष्ठी को अर्पित की जाती है वो अपने घर के सभी सुहागन औरतों में वितरण कर दिया जाता है और स्वयं भी उसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ ही साथ जो खिलौने होते हैं उन्हें भी घर के बच्चों में बांट दिया जाता है, अपने रिश्तेदारों में जो होते हैं उनको भी उन्हें बांट दिया जाता है। ललाई छठ का व्रत बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है।
और उत्तर भारत में तो इसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। आप सभी लोगों को ललही छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता षष्ठी देवी की कृपा दृष्टि हम सभी के बच्चों पे बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।